हरे कृष्णा। भगवद गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। भक्ति ठाकुर जी इसको बड़ा अच्छे से समझाते हैं कि ये योग का सीढ़ी है। सब योग कहलाते हैं, परंतु इनके अंदर इंफीरियर और सुपीरियर योग है। क्या है? हाँ, निम्नतर और उच्चतर। अब एक चीज बताइए मुझे, अगर भक्ति योग उच्चतर है, क्या है भक्ति योग को क्या बताया गया? उच्चतर। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति योग उच्चतर है तो बाकी जितने भी योग है नीचे के वो क्या हुए? निष्तर, निम्नतर हो गए। तो चाहे वो ध्यान हो या ज्ञान हो या कर्म योग हो, सिंपल है, तो क्या समझने प्रॉब्लम है? और सारे योग कहलाते हैं। जैसे कि आप जब कॉलेज में पढ़ते हो तो सारी क्या कहलाते हैं? क्लासेस। क्या कहलाते हैं? परंतु सारी क्लासेस एक ही है। कहाँ एक है बताइए मुझे? 10th class, 12th class, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सबके अलग अलग नहीं है क्लासेस। इसी तरीके से इसको बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि बेसिकली ये योग की सीढ़ी है। बताइए, सीढ़ी का पहला पायदान सीढ़ी कहलाता है कि नहीं कहलाता? जब आप कहते हो सीढ़ी लेके आओ, तो क्या आदमी सिर्फ ऊपर लेके आता है? नहीं ना, पूरी लेके आता, क्योंकि पूरी सीढ़ी कहलाती है। परंतु भक्ति योग में एक प्लस पॉइंट है, लिफ्ट भी है। क्या है? भक्ति योग में आप डायरेक्टली भक्ति योग पे पहुंच सकते हैं। आपको नहीं, कई लोग होते हैं कि कई लोग स्टेप वाइज जाते हैं, परंतु आप लिफ्ट से ही पहुंच सकते हो। परंतु जरूरी नहीं है कि हम लोग लिफ्ट से पहुंचे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। तो कर्म योग जो कर रहा है, निष्काम कर्म योग जो कर रहा है, वो भी तो ज्ञान है, परंतु उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि अभी भी अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान को जी अर्पण करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा सब कुछ सही चलेगा। हाँ, कृष्ण भगवान के भक्त भी ऐसे बहुत हैं, इस लेवल पे बहुत हैं, कर्म योग के लेवल पे बहुत हैं, जो कृष्ण को ही परम भगवान मानते हैं, परंतु और कोई बोलते हैं आप सब कुछ यही है भाई, जो है सही है, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे, देवी देवता बन जाओगे, ऐसे बहुत हैं। तो हम भी रहे होंगे, हो सकता है। और परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं आप जीरो से भी हीरो बन सकते हो। भक्ति योग का यही परिकाष्ठा है कि इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसको जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी कर सकता है, जिसकी जो हाफ क्वालिफाइड है वो भी कर सकता है, और जो पूर्ण क्वालिफाइड है वो भी कर सकता है। क्योंकि क्या कारण है इसका? क्योंकि एक बड़ा अजीब स्वभाव है हमारा। हमारा स्वभाव क्या है? आसक्त होने का स्वभाव ना सबके पास है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, या जीरो अटैच हो सकता, नहीं हो सकता। अटैचमेंट, प्रेम का मतलब क्या है? घोर अटैचमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। पिक्चरों में आता नहीं था, पहले पिक्चरों में नहीं आता था कि वो ऑटो वाला पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब बहुत पढ़ी लिखी लड़की के साथ घूम रहा है जी। सुना क्या पता लगता है? अटैचमेंट। और भक्ति का मूल क्या है? अटैचमेंट। भक्ति का मूल क्या है? अटैचमेंट। इसलिए इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, ये इसकी प्लस पॉइंट है। क्योंकि आपके पास वो क्वालिटी ऑलरेडी है, क्योंकि ज्ञान योग के लिए आपको बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? अगर आपकी मेमोरी सही नहीं है तो क्या हुआ, क्या ज्ञान ले लोगे बताओ? आप प्रभु ले सकोगे? उसके लिए पहली पहली चीज क्या है बताइए? इंटेलिजेंस। क्या? विवेक, इंटेलिजेंस। आपको बुद्धि, बुद्धिमान होना पड़ेगा, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी पड़ेगी। परंतु आसक्ति करने के लिए देखिए, अम्बरीश महाराज इतने श्रेष्ठ ज्ञानी, अर्जुन और उधर धन्ना जट है, पता ही नहीं था परिकाष्ठा। कर्माबाई क्या थी? मीराबाई क्या पड़ी पड़ी, तो कृष्ण भगवान के पीछे घूमती थी उस दिन रात, कोई काम ही नहीं था, बच्ची थी वो। तो बच्ची को क्या ज्ञान होता है बताइए आप मुझे? क्या ज्ञान होता है? इसलिए भक्ति पूर्ण है, इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सके। वही, अरे जो चीज हर व्यक्ति कर सके वही सबसे कंप्लीट कौन सी मानी जाएगी? और किसी भी, आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो लाइफ के। बच्चा अटैच नहीं होता क्या? बूढ़े में अटैचमेंट नहीं होती क्या?
मजे की बात ये देखो, जो बचपन में जिससे अटैच होना शुरू होते हो बुढ़ापे में वो परिकाष्ठा रीच कर जाता है, परंतु बुढ़ापे में जो अटैचमेंट होती है वो परिकाष्ठा रीच नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। इसलिए बचपन से अगर भक्ति कृष्ण भक्ति दोगे तो परिकाष्ठा जब तक वो शरीर त्यागेगा तब तक वो परिकाष्ठा रीच कर जाएगा। इसीलिए भक्ति योग कंप्लीट है। दूसरा मैंने आप लोगों को बता रखा है, लॉजिक से बताया है कि अगर आपको सनातन तत्व प्राप्त करना है तो आपको प्रोसेस भी सनातन होना चाहिए। यह हो ही सकता कि प्रोसेस जो है सनातन प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रक्रिया। प्रक्रिया भी सनातन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसका देने वाला लाभ भी तो खत्म हो जाएगा। परंतु भक्ति के अंदर प्लस पॉइंट क्या है, किसे पूछो कि भक्ति भक्ति करते हो, अच्छा जी भक्ति का लक्ष्य क्या है, भक्ति नहीं, भक्ति मिलने के बाद क्या करो, भक्ति क्या कर रहा है, यही सत्य है भाई। ज्ञान के बाद लक्ष्य मिल गया, खत्म ज्ञान है जी। आपको सब्जी बनानी है, आप सब्जी बना रहे हो, ज्ञान ले लिया आपने यूट्यूब से और सब्जी बन गई, उसके बाद ज्ञान कहाँ गया, खत्म। अब दिन रात थोड़ी सब्जी बनाते रहो, हैं, टॉयलेट भी जाओगे, दांत भी साफ करोगे, कपड़े ही पहनोगे, परंतु प्रेम कहीं भी जातू आ सकती होगी तो रात को सपने में भी वही आएगा। 24 घंटे जो, तो भगवान इलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरण, तस्मात सर्व कालेशु माम अनुस्मरण। जब यार लोग कहते हैं कैसे भगवान को हर टाइम याद कर सकते हैं, मेरे बड़ा इजी है, प्रेम कर लो, क्या कर लो, कभी नहीं भूलोगे। और प्रेम नहीं करोगे, अब जिस चीज से आप आसक्त नहीं हो उसको भूलते हो कि नहीं भूलते हो, आप लाइफ में भी देखिए जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो उसको कान हाथी की तरह बना लेते हो, कान बड़े ध्यान से सुनते हो, और जिसमें इंटरेस्टेड नहीं हो उसका क्या होता है, ये कान चीटी वाले रहते हैं, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। तो इसीलिए योग कैसे करें, क्यों करें बता दिया, योग क्या है बता भी दिया, जोड़ना ये तीन वस्तुओं को जानना, फिर प्रकृति का इस्तेमाल करना, क्या करना हम कर रहे हैं ना, ये आपके देखिए यूट्यूब पे हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं दे रहे हैं, ये प्रकृति है, ये क्या है, अभी आपके पास जो वेव्स जा रही हैं स्पिरिचुअल मेटेरियल तो है नहीं, वो तो क्या है, मटेरियल है, प्रकृति का हिस्सा है ना प्रभु जी, वो तो हमने उसको क्या किया, यूज कर लिया ये संबंध को स्थापित करने के लिए, इस संबंध को स्थापित करने के लिए यूज कर लिया, मोबाइल यूज कर लिया, नहीं कर लिया हमने यूज कर लिया, ये कपड़े ये क्या है, ये मटेरियल है, तो हमने इसको क्या कर दिया, स्पिरिचुअलाइज कर दिया, हम पहनते हैं भगवान की सेवा में लगाते हैं, जिससे कि वेदर की कंडीशन हमको इफेक्ट ना करें, जिसके कारण हम शरीर सही रहे और हम भगवान की सेवा कर सकें, हर चीज यूज कर रहे हैं ना, तो मेटीरियल को, परंतु हम आज क्या कर रहे हैं लोग, वो अपना संबंध मेटीरियल के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं और भगवान को उस पर हम सत्य को भूल जा रहे हैं, जभी तो ये हालत है, जभी तो ये हालत है, यही नहीं जानते कि ज्ञेय वस्तु क्या है, जानने योग्य क्या है, और ये भी नहीं जानते किसको जानना है, और जानने के बाद आप जानने के बाद चीजें छोड़ देते हो कि उसके अनुसार चलते हो, ये सारी चीजें भूल गए लोग। हम भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्यों, कि हम भगवान की सेवा कर सकें, परंतु हम सिर्फ स्वस्थ रहना चाहें तो आप इंद्र तृप्ति करोगे, आप शोषण करोगे, आप पाप करोगे, आप फंसोगे 100%, 99 भी नहीं। बंदूक का इस्तेमाल किसको करना चाहिए, पुलिस वाले को या आर्मी वाले को, और वो भी कब, किसके लिए करना चाहिए, क्राइम को रोकने के लिए, इसके लिए थोड़ी गए हर टाइम चलाता फिर रहा, तो ये चीज समझनी पड़ेगी, इसके बगैर कोई निस्तारा नहीं है। आज विश्व के सारे प्रॉब्लम का सिर्फ यही एक निस्तारा है, आज जितने प्रॉब्लम आज दुनिया में देख रहे हो, आज चाइना के साथ लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वो ग्रीडी है, सब लोभी हैं, सब लोभी हैं, पूरा विश्व अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए, भक्ति योग में आ जाए तो मस्त रहेंगे, सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, क्योंकि गोल एक हो गया कि यार प्रेम पैदा करना है भगवान कृष्ण के साथ। अभी तो सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, यही परिवार के अंदर होता है, तुम्हें कंट्री बोली, परिवार में झगड़े क्यों होते हैं, पति पत्नी बच्चे बच्चों सब में आपस में क्यों झगड़े होते हैं, सबसे कारण ही है लोभ, क्या योग नहीं, शोषण करना। लोभ का मतलब यू वॉन्ट टू गेट एक्स्ट्रा, लोभ का मतलब क्या है, वॉन्ट टू गेट एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा के चक्कर में आप शोषण में लग जाते हो। किस चीज़ की प्रोग्रेस चाह रहे हो, प्रोग्रेस तो एक ही होती है, मटेरियल में तो प्रोग्रेस हराम की चीज़ ही नहीं है, सब खत्म हुआ जीरो। इसलिए आपसे हमारा हाथ जोड़ के विनती है समोसे, ये भक्ति योग लो और बड़ा सरल है, इसकी स्टार्टिंग है,
किससे? श्रवण सुनने से। क्या सुनना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।